हिमाचल किसान मंच के प्रदेश मुख्य संयोजक तथा पूर्व विधायक के कौशल ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से राहत दिलाई जाए ताकि वे अपना खेती बाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस मुद्दे को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में करने की तैयारी कर रहा है। ये भी विचार किया जा रहा है कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार पर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए। हिमाचल किसान मंच के प्रदेश मुख्य संयोजक तथा पूर्व विधायक के कौशल ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से राहत दिलाई जाए ताकि वे अपना खेती बाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस मुद्दे को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में करने की तैयारी कर रहा है। ये भी विचार किया जा रहा है कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार पर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिवक्ताओं से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में जो भी संगठन किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करके और एकजुटता का प्रदर्शन करके एक जबरदस्त आंदोलन इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में करेगा। कौशल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 70-80% लोग किसान हैं और इनमें से अधिकांश ने खेती बाड़ी करना केवल इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उनकी फसलों को आवारा पशु बंदर तथा जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। यहां तक कि उनका बीज पर लगाया गया पैसा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पत्रकार वार्ता में हिमाचल किसान मंच के प्रदेश संयोजक केश पठानिया ने KS पठानिया तथा किसान नेता जिला बिलासपुर के प्रधान लेखराम दीवान, एडवोकेट धर्मेंद्र रावत व मोतीलाल शर्मा तथा किसान नेता प्रेमलाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये वर्ग लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ता चला जा रहा है। कौशल ने कहा कि इस समय आवारा पशुओं द्वारा लोगों को मारे जाने का सिलसिला भी बहुत अधिक बढ़ चुका है और पिछले एक वर्ष में ही बिलासपुर जिले में 7 लोगों की जान इसी कारण गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के ब्रोहा गांव में एक ऐसे 75 वर्ष के वृद्ध को आवारा बैल ने मौत के घाट उतार दिया जिसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके दोनों बच्चे विकलांग हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों में गौ सदन बनाने के लिए 25-30 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की गई है लेकिन गौ सदन कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में जो भी संगठन किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करके और एकजुटता का प्रदर्शन करके एक जबरदस्त आंदोलन इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में करेगा। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के किसान इस उम्मीद में थे कि ये सरकारें जो हैं वो किसानों की समस्या का निवारण करेंगे। जंगली जानवर, बंदर और आवारा पशुओं के जो प्रदेश में जो बर्बादी कर रहे हैं उस बर्बादी से रोकेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आवारा पशुओं ने दर्जनों आदमियों को मौत के घाट और जख्मी किया है, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अभी बिलासपुर जिले के अंदर झंडूता के एरिया के अंदर ब्रोहा में एक गंगाराम आदमी, जो गरीब आदमी था, उसको बैल ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो आदमी मर रहे हैं उनके बारे में सरकार ने कोई मुआवजे का बंदोबस्त नहीं किया है। और हिमाचल किसान मंच ये मांग करता है कि इन किसानों को जो इनके परिवार का नुकसान हुआ है उन्हें 20-20 लाख रुपए मुआवजा का बंदोबस्त हिमाचल सरकार करे। और प्रदेश में जो आवारा पशु है, जो शहरों के अंदर, गांव के अंदर जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, इनको गौ सदनों के अंदर ले जाए। और हिमाचल प्रदेश में मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जो गौ सदन बनाने का जो ये काम चला हुआ है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और एक एक एरिया के अंदर जहां गौ सदन बनाने की बात कह रहे हैं वहां पर गौ और बैल जो है उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। और ये भी इंक्वायरी की जाए, प्रदेश में जांच की जाए कि कहां कहां पैसा लगा और उसमें पशुओं को क्यों शामिल नहीं किया गया है। और ये भी हमारा आरोप है कि जहां गौ सदन बनाए गए हैं वहां पर गायें जो दूध देती है उनको तो रखा जा रहा है, लेकिन जो आवारा बैल हैं, आवारा सांड जो हैं, उनको खुलेआम छोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को नुकसान करे। हिमाचल किसान मंच प्रदेश में इसको लेकर के, इन मांगों को लेकर के आंदोलन करेगी अगर सरकार ने इसका ठीक फैसला नहीं किया।